किसान कर्ज माफी और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के मामले में बुधवार को बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया। शून्यकाल में बीजेपी के कई नेताओं ने भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने पेपर लीक और ईओ भर्ती परीक्षा में पकड़े गए कांग्रेस नेता गोपाल के सावंत के आरपीएससी सदस्यों से तार जुड़े होने के आरोप लगाए। शून्यकाल के दौरान पूनिया ने जैसे ही कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी के वादे का जिक्र किया तो कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन सदन में अचानक ही जोरदार हंगामा देखने को मिला। क्या एक तरफ राजस्थान के विधानसभा में आप कानून बना रहे हो जनता को धोखा देने के लिए, युवाओं को फिर से धोखा देने के लिए, और दूसरी तरफ इसके मुख्य आरोपी की जमानत के लिए आप सलमान खुर्शीद जी से बात करके सलमान खुर्शीद को आप वकील बनवा रहे हो? दोहरा चरित्र जनता, इससे जनता जवाब मांगे। आपने घोषणा पत्र के पेज संख्या 34 के क्रम संख्या 25 पर आगे बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने विश्वास खो दिया है, वो केवल डंडे के दम पर मामले को दबाना चाहती है। सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, अब जनता इस सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और सिर्फ दमन के आधार के ऊपर, तानाशाही के आधार के ऊपर, लाठी के दम के ऊपर सरकार आंदोलन को कुचलना चाह रही है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। रात के अंधेरे के अंदर संविदा कर्मी अपनी जायज मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। तो डंडे के दम पे सरकार आंदोलन को दबाना चाह रही है। वहीं सदन में कांग्रेस ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। बालिका शिक्षा के लिए 8 योजनाएं संचालित है, जिसमें गार्गी पुरस्कार योजना है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा में जो बच्ची 75% नंबर से अधिक लेके आती है उसको 11वीं और 12वीं में 3,000 रुपए हम देते हैं। जो बच्चियां राजस्थान के 10वीं की मेरिट में आती है पूरे राजस्थान के अंदर 3 पायदान के ऊपर, उन बच्चियों को अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद में 4 साल के लिए 25-25 लाख रुपए यानी कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। सारी योजनाएं राज्य सरकार की। इतना ही नहीं, जोधपुर जिले में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर जलाने के मामला शून्यकाल के दौरान विधानसभा में उठा, जिस पर बीजेपी ने उन्हें घेरते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.